भ्रष्टाचार मुक्त कार्य का दावा करने वाली बीजेपी सरकार को एक टूटा हुआ पुल आईना दिखा रहा है। NH-232 पर श्रीहरिया गांव के पास बनाया पुल अभी चालू हुए 6 माह का समय भी नहीं बीता था कि पुल टूटकर साफ-सफाई हो गया है। प्रदेश और केंद्र की सत्ता में काबिज सरकारें भ्रष्टाचार मुक्त कार्य का दावा तो कर रही हैं, लेकिन हकीकत में यह दावा कागजी ही साबित हो रहा है। टांडा से बांदा के लिए नेशनल हाईवे 232 पर निर्माणाधीन पुल चालू होते ही टूट गया। पुल टूटने की वजह घटिया निर्माण सामग्री बताई जा रही है। टूटे पुल की गुणवत्ता की जांच के लिए DM सुरेश कुमार ने SDM सदर अभिषेक पाठक के नेतृत्व में 3 सदस्यीय टीम का गठन किया है। पुल में कुछ क्रैक्स आए थे और फिर जिलाधिकारी महोदय के आदेश पर जांच कमेटी गठित हुई। उस जांच कमेटी के द्वारा आज जांच की जा रही और प्रथम दृष्टिया जो है जो निर्माण में जो सामग्री उपयोग में आई है उसमें कुछ कमियां प्रदर्शित हो रही हैं। उस सामग्रियों की जो सामग्री को इकट्ठा करके उसका सैंपल लेकर और IIT BHU में इसको भेजा जाएगा। कार्रवाई के नाम पर प्रशासन ने टीम तो गठित कर दी है, लेकिन अहम सवाल यह है कि घटिया निर्माण का जिम्मेदार कौन है।